सभी व्यूअर्स का वेलकम है YD एडिटोरियल क्लास में। फटाफट से आज के लेक्चर को शुरू करेंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, अपने इस खास अप्रोच से यहाँ पे पढ़ते हैं हिंदू को, जिसमें आपका ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों मजबूत बनता है। 45 मिनट्स के अंदर 6 to 8 आवर्स के लर्निंग के वादे के साथ इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। फेलियर्स, नाकामयाबी, और कैसे फेलियर्स, जो है रैपिड। रैपिड क्या होता है? बहुत फास्ट, रैपिड फायर होती है ना, फटाफट। तो कह रहा फटाफट से आने वाले फेलियर्स। अब देखो ये जो टाइटल इसने बनाया है ना, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के ऊपर जो फेलियर्स आ रहे हैं उसके ऊपर बनाया है। तो इसने ऐसे जोड़ने की कोशिश की है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से आने वाले फेलियर्स या ऐसे फेलियर्स जो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक के बाद हमारे सामने आए जा रहे हैं। हम देखेंगे आगे डिटेल में क्या ये टेस्ट होते हैं। कह रहा सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर COVID-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स अंडरस्कोर द नीड फॉर कॉशन। कह रहा बहुत ज़्यादा जो है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े जो है स्केल पे या बहुत बड़ी क्वांटिटी में। कह रहा जो बड़ी सी एरर रेट है, एरर की जो दर है इस COVID-19 के टेस्टिंग किट की, इस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की, कह रहा ये जो एरर रेट है ना, ये अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है, जोर डालती है, अच्छा किस पे, उस नीड पे, जरूरत पे, अच्छा किसके लिए, जो है फॉर लगा के बता रहा है, कॉशन के लिए, सावधानी के लिए। इस टेस्टिंग किट की एरर रेट हमें सावधान करने के लिए जो है सावधान करती है, जरूरत बताती है हमें सावधानी की। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ इसके अंदर की ग्रामर पे। ग्रामर ये मेरे भाई कहती है, पहले तो अंडरस्कोर वर्ड देख लो, बहुत बार आया हुआ है, कुछ लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा। आपको ये देखा होगा आपने, अंडरस्कोर आपके पीसी में ना, आपके कीबोर्ड पे ऐसे होता है अंडरस्कोर, है ना, अंडरस्कोर करते हो। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी को अंडरलाइन करते हो। क्या करते हो आप? अंडरलाइन। जब आप अंडरलाइन करते हो तो वो अंडरस्कोर का सिनोनिम बन जाता है पहला। अब इसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को अपने अंडरलाइन करते हैं जिस चीज़ की तरफ हमें अपना ध्यान खींचना हो दूसरे लोगों का। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान खींचना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना। समझ गए ना? याद, रट्टू तोता नहीं चाहिए अपने कोई भी, है ना, सबकी चीज़ों, सब चीज़ों का लॉजिक है इंग्लिश के अंदर। मैं इसको लॉजिक से चलाने की कोशिश करता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की तरह वर्ड्स का भी लॉजिक है, लॉजिक से ध्यान में रखें, ठीक है। अंडरस्कोर वर्ड समझ गए। दूसरी चीज़, सेंटेंस में जिसने ग्रीन और जो पिंक समझ लिया ना, उसके लिए सेंटेंस है ये कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ग्रीन और पिंक रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस की वर्ब को। अगर आप इंग्लिश से आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप खुद देख लो, मेरे को नहीं बताने की ज़रूरत, आप खुद देख लो, आप 90-80% सेंटेंसेस के अंदर उनका सब्जेक्ट और सही से वर्ब नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। आपको स्ट्रगल नहीं करना है, गधा नहीं बनना है, घोड़े वाली रेस दौड़नी है, सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले पहचानना है। पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने, जैसे मैंने किया है वैसे आप उसको मैच करने की कोशिश करो, आपका भी वही सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए। ये बिगनर लेवल सेशन इसीलिए बोलता हूँ मैं, ये बिगनर लेवल ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है, एक छोटी समरी मैं आपको दे दूँ, उसके बाद इसमें क्या बहुत सारे रूल्स हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे वीडियो को। समरी ये है, ये एक टेस्ट हुआ करता था एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, इसकी किट भी आ गई एंटीबॉडी टेस्ट की। अब ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का पूरा नाम होता है। सारी दुनिया ने क्या प्लान बना रखा था अभी तक, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, जैसे इंडिया में 3 मई को, अमेरिका में 4 मई को, वहाँ पे 5 मई को, जब भी हटेगा, सारी दुनिया रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाली थी अपनी पूरी पॉपुलेशन का। ये टेस्ट ईजी होता है करने में, बहुत फास्ट होता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। तो वो क्या सोच रहे थे, सबका कर डालेंगे। इस टेस्ट से हमें फटाफट ये मालूम चल जाता है किस आदमी को कोरोना होने के बाद कितनी इम्यूनिटी उसके अंदर होगी। जिन लोगों के पास अच्छे एंटीबॉडीज होंगे, उन लोगों को गवर्नमेंट क्या करने वाली थी कि तुम तो काम करो जी भर के, तुम्हें कोई डर नहीं है कोरोना का। ये सारे के सारे प्लान्स है ना धरे रह गए सारी दुनिया के। क्यों? हमें मालूम चला एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो है ना, पहली चीज़ तो ये चाइना ने भेजी है नकली, चाइना ने ऐसी किट्स भेजी हैं जो फॉल्टी हैं। दूसरी चीज़, अगर सही भी भेजी होती तो भी ये टेस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना हम समझते आ रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे। कह रहा आपके सारे प्लान धरे रह गए, क्योंकि ये टेस्ट जो है अब तो निकला ही नहीं वो जो आप सोच रहे थे। पर लेकिन फिर भी ये बहुत काम का टेस्ट है, एडिटोरियल बता रहा है अपने को, बहुत काम का टेस्ट है। बस इसके ऊपर किसी की जान को दांव पे मत लगाना। जहाँ पे सही कोरोना का सही टेस्ट करने की ज़रूरत हो ना, अभी उसका नाम आएगा आगे, वो करवाना। इसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मत करना। लेकिन फिर भी ये टेस्ट काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। बस यही समरी है इसकी।
कोशिश करें 6 to 8 सेंटेंसेज में इस समरी को लिखने की। अभी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आगे डिटेल्स भी आ जाएंगी, कुछ डिटेल्स भी अपनी समरी में डालें। जो लोग लिखते हैं ना वही बेहतर हो सकते हैं, जो नहीं लिखते हैं ना वो बेहतर नहीं हो सकते। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में दूसरों की समरियाज पढ़ें और अपनी भी डालें। शुरू करें। कह रहा रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू नोवल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल। आगे लगा हुआ कोमा, यहीं रुक जाते हैं। कह रहा है जो टेस्टिंग किट है ना, रैपिड टेस्टिंग किट, खास तरह की किट्स हैं, कह रहे जो कि, अच्छा कौन से किट हैं, कह रहे जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स यूज़ करती आ रही हैं, हैव बीन यूजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस्तेमाल में लेते आ रही हैं पता लगाने के लिए, ढूंढ निकालने के लिए एंटीबॉडीज़ को, और कहाँ पे, किसकी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज है नोवल कोरोना वायरस की। कह रहे ये जो टेस्ट है ना, ये हैव प्रूव्ड, ये प्रूव हुआ है अनरिलायबल, इसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, इसने प्रूव कर दिया मैं अनरिलायबल हूँ, भरोसेमंद नहीं हूँ। अच्छा कैसे प्रूव हुआ है, कह रहा मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3rd मोर डिफिकल्ट। कह रहा ये जो काम हुआ है ना ऊपर वाला, ये ऐसे हुआ है बनाते हुए जो शिफ्ट था ना, जो तब्दीली थी नॉर्मल जिंदगी की तरफ, नॉर्मलसी की तरफ, जब लॉकडाउन एंड होता है May 3 को, और डिफिकल्ट, समझ गए ना सेंटेंस को। कह रहा ये टेस्ट प्रूव हुआ अनरिलायबल। अब इसके साथ में साइमल्टेनियस एक्शन क्या है, दूसरे वक्त, दूसरे हाथ पे उसी वक्त ये मेक करता आ रहा है हमारी जिंदगियों के शिफ्ट को नॉर्मल तरफ लॉकडाउन के एंड होने के बाद, और क्या मेक किया इसने, उसको और डिफिकल्ट बना दिया। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाओ, बाकी कुछ भी नहीं है इन सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल एडिटोरियल आज का। इस सब्जेक्ट की रैपिड टेस्टिंग किट की वर्ब जो आई है ना, वो यहाँ आई हैव प्रूव्ड, स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब आई हैव बीन यूजिंग। बड़े आगे इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे मेंबर्स के, सर ये क्या होता है, कैसे होता है। आपको मैंने बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब बनने के अलावा दो काम और करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का, जो कि यहाँ बनी हुई है साइमल्टेनियस एक्शन, दूसरा काम करती है वो किसी एडजेक्टिव बन के किसी दूसरे नाउन के बारे में बताने का। अब किसी की आज की एक है ना, सुबह सुबह मैंने देखा उसकी ये क्वेरी थी, कैटरीना शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ सलमान लर्निंग टू प्ले गिटार। कैटरीना ने सलमान की पिक्चर को शेयर किया गिटार को लर्न करते हुए, उसने मुझसे ये पूछा सर ये लर्निंग किसके लिए लगा है, कैटरीना के लिए लगा है या सलमान के लिए लगा है, क्या कैटरीना लर्न कर रही थी गिटार को या सलमान लर्न कर रहा था गिटार को, ये लर्निंग आपको कैसे यूज़ करना है। अब मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना, पहली चीज़ तो आप टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर आपको समझ में आ गया कि ये दोनों काम कर सकता है, अब तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, कैटरीना शेयर कर सकती है पिक्चर को गिटार लर्न करते हुए, सलमान, देखो सलमान की पिक्चर शेयर करे कैटरीना और साथ में गिटार लर्न करे, या तो सलमान को देख लेगी उसकी पिक्चर शेयर कर लेगी या गिटार को लर्न कर लेगी, तो ये लर्निंग का काम कैटरीना के शेयरिंग के काम से साइमल्टेनियस नहीं है, समझ गए मेरी बात को। दूसरी हिंट, सलमान के बाद लगाए ना ये, सलमान लर्निंग टू प्ले द गिटार लगाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सलमान के लिए लगाए, मोस्ट प्रोबेबली ये सलमान के लिए लगाए। और अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, सलमान गिटार को प्ले कर रहा था, लर्न कर रहा था, और कैटरीना ने उसकी पिक्चर शेयर कर दी, दूसरी हिंट। तीसरा, अगर ये कैटरीना के लिए आया होता तो अच्छी इंग्लिश के अंदर, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर लर्निंग से पहले एक कॉमा लगा होता, कैटरीना शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ सलमान लर्निंग टू प्ले गिटार, समझ गए। अगर ये कॉमा ना होता तो वो यूं लिखते व्हाइल लर्निंग टू प्ले गिटार। तो तीन हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस कॉमा के हिंट को रिलायबल मत मानना, कई जगह नहीं लगा होता, पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, ऐसे फालतू क्वेश्चंस में नहीं पढ़ना, आपको पता लग गया किसके लिए लगा है, कैटरीना के लिए तो लग ही नहीं सकता, आपका कॉमन सेंस ने जवाब दे दिया है कैटरीना के लिए नहीं लग रहा है, तो फिर इस पर सवाल नहीं उठाना है आपको। ही बीट अप द बॉय वेयरिंग अ रेड टी शर्ट। अब किसी दूसरे बंदे ने मुझसे पूछा, उसने मारा एक लड़के को रेड टी शर्ट को पहने हुए या पहनते हुए, कह रहा सर ये ही किसके लिए, ये वेयरिंग किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा है लड़के के लिए लगा है, यार वो किसी को मारेगा शर्ट को पहनते हुए, लाल शर्ट पहनेगा एक बाजू पहनी और दूसरे से थप्पड़ मार रहा है, ऐसे काम करेगा क्या वो, कॉमन सेंस को लगाओ मेरे भाई, उसने मारा उस लड़के को जो लाल शर्ट पहने हुआ था, समझ गए। अगर यहाँ पे ये वेयरिंग ही के लिए लगा होता तो इस वेयरिंग से पहले एक ऐसा कॉमा लगा देना था इसको, है ना, कॉमा रिलायबल नहीं है पर फिर भी आप समझ जाओगे कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, बाकी दो सेंटेंसेस भी कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो,
ये लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा वेग है। कैटरीना शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ सलमान टॉकिंग टू द फैंस। सलमान बात कर रहा था या कैटरीना बात कर रही थी, दोनों बात कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है आपको, ऐसे सेंटेंसेस को वेग सेंटेंसेस बोला जाता है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बैठी हैं। ये सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ है ना पहेलियाँ होती हैं जो फेसबुक पे शेयर करते हैं लोग, जैसे ये शेयर कर रहे हैं ना आजकल, द मदर स्लैप द डॉटर बिकॉज शी वॉज ड्रंक। अब कौन ड्रंक था सर? अरे क्यों करना है आपको पता है कौन ड्रंक था? ये कोई क्वेश्चन है क्या इंग्लिश का, एग्जाम में आएगा क्या आपके? ये किसी ने पागल बनाया आपको, फेसबुक पे आपको परेशान कर रहा है कोई, है ना, इस तरह की बातें करके। ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनते। यहाँ लिखा जाता है द ड्रंक मदर स्लैप द डॉटर और द मदर स्लैप द ड्रंक डॉटर, है ना, इस तरीके से वो लिख करके साफ साफ आपको बताएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहेलियों में ना उलझें, जेन्युइन क्वेश्चंस को एंटरटेन करने की कोशिश करें। बढ़ें आगे, चलो। कह रहा गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट दैट कैन टेल पीपल इफ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास कोविड 19 इन्फेक्शन। कह रहा सरकारें, अच्छा कहाँ की? अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की। अच्छा क्या कर रही हैं? हैव बिन लुकिंग फॉर, लुक फॉर कर रही हैं, सीख कर रही हैं, ढूंढ रही हैं किसी चीज़ को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा किस चीज़ को ढूंढ रही हैं? एक सही सटीक एक्यूरेट प्रिसाइज ब्लड टेस्ट को। अच्छा कैसा ब्लड टेस्ट? जो कि दैट कैन टेल, बता सकता है। अच्छा किसको क्या बता सकता है? लोगों को बता सकता है कि उनके पास इम्यूनिटी है या नहीं, और कब, पास्ट कोविड 19 इन्फेक्शन, जो कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है उससे सही हो जाने के बाद। थ्रू पास का मतलब क्या है? जब उससे आप पार निकल गए हो, उससे सही हो गए हो। अच्छा ये कह रहा है एंड कैन देयरफॉर रिटर्न टू देयर ड्यूटीज टू किक स्टार्ट द इकॉनमी, और वो रिटर्न कर सकते हैं, फिर लौट के आ सकते हैं अपनी ड्यूटीज तक, अपने फर्ज तक, इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए, फटाफट से धक्का मारने के लिए। सेंटेंस को पहले समझ लो, दो वर्ब्स आई हैं दे की यहाँ पे, फिर आपको मैं बताऊँगा इसके पीछे की वोकैबुलरी को। गवर्नमेंट पूरी दुनिया की लुक फॉर कर रही हैं एक एक्यूरेट ब्लड टेस्ट को, ताकि लोगों को पता लगे कि उनके पास इम्यूनिटी है इस इन्फेक्शन के पास्ट, इस इन्फेक्शन के सही हो जाने के बाद। और इसी प्रकार ये लोग जो हैं रिटर्न कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए। समझ गए सेंटेंस को? इम्यूनिटी वर्ड तो आपने देख ही लिया। ये कैन देयरफॉर रिटर्न को मैंने ब्लैक क्यों किया है? ये जो है ना इस दे की सेकंड वर्ब है, पहली वर्ब है दे हैव और दूसरी वर्ब है दे कैन देयरफॉर रिटर्न। समझ गए ना? एक सेंटेंस दो वर्ब ले सकता है एक सब्जेक्ट, अगर बीच में एंड कंजंक्शन हो। दूसरी चीज़ किक स्टार्ट क्या होता है? आपकी बाइक खड़ी है, अभी किक लगा क्या करोगे आप उसको? अचानक से बंद पड़ी चीज़ को किक लगा के स्टार्ट करना, उसको कहते हैं किक स्टार्ट करना। टू इनेबल समथिंग टू पिक अप द पेस क्विकली, फटाफट से कोई चीज़ चालू हो जाए, इसी को कहते हैं किक स्टार्ट करना। इसका एक और सिनोनिम है, कई जगह आप देखोगे जंप स्टार्ट, किक स्टार्ट इज इक्वल टू जंप स्टार्ट। बढ़े आगे, कह रहा वाइल द डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस यूजिंग अ नेजल स्वैब इन अ लेबोरेटरी सेटिंग इज कंसिडर्ड रिलायबल। कह रहे जहाँ डायग्नोज करने वाला, पता लगाने वाला, ये वाला खास टेस्ट, और क्या पता लगाने वाला? कह रहे कन्फर्म करने वाला प्रेजेंस को, मौजूदगी को वायरस की, दो वायरस कौन सा? ये खास वायरस कोविड को। और कैसे पता लगाने वाला? यूज़ करते हुए एक नेजल स्वैब को, नाक में डालने वाले एक रुई के स्वैब को, और कहाँ पे? एक लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर, एक प्रयोगशाला के अंदर। कह रहा है ये जो टेस्ट है ना इज़ कंसिडर्ड रिलायबल, इस टेस्ट को रिलायबल कंसिडर किया जाता है, बहुत ही जो है ना इसको भरोसेमंद माना जाता है। कह रहा है जहाँ पे ऐसा होता है। कह रहा है अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन अ रैपिड टेस्ट दैट यूजेस अ ब्लड सैंपल टू फाइंड एंटीबॉडीज आफ्टर पास इंस्पेक्शन हैव थ्रोन अप एरर्स। कह रहे तो लेकिन कोशिश है ना डिज़ाइन करने की एक रैपिड टेस्ट को, जो कि यूज़ करता है ब्लड के सैंपल को पाने के लिए एंटीबॉडीज़ को, और कब, कब किसके बाद? कह रहा पास्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद। कह रहा ये जो अटैम्प्ट है ना इन्होंने थ्रो अप किया है, ये निकाल करके लाए हैं एरर्स को, बहुत सारी त्रुटियों को। और कितनी एरर्स? कह रहा इन एज मच एज अ थर्ड ऑफ केसेस। एज मच एज का मतलब क्या है? इतने की, कह रहा इतने की 33% केसेस के अंदर, 1/3 ऑफ द केसेस के अंदर। समझ गए मेरी बात को? कह रहा अ स्टडी इन द यूके शोड दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी। एक स्टडी जो कि यूके में हुई उसने ऐसा दिखाया कि ये जो थे ना, कौन, अब ये जो है ना ये रैपिड टेस्ट, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे दे लगा के। कह रहे रैपिड टेस्ट थे, बहुत हाई थे स्पेसिफिसिटी में। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन। तो एक बहुत ही खास पर्टिकुलर कंडीशन थी इन टेस्ट के साथ जुड़ी हुई। अब ये कैसी थी कंडीशन? कह रहा एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव। कह रहा एक्यूरेट उन्हीं केसेज में थे जिनको उन्होंने फाउंड किया
कैसे केस, एंटीबॉडी पॉजिटिव केस थे। देखो सेंटेंस जो है बहुत सारा ना हैविली टेक ऑन करता है, टेक आफ्टर करता है साइंस के ऊपर, साइंस की टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, ज़्यादा अपने को अंदर नहीं घुसना है। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ पूरे को, मोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा, खाली जो है इन जो टर्म्स को आप छोड़ दो। तो कह रहे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये वाला कन्फर्म करने वाला था मौजूदगी को वायरस की, यूज़ करते हुए इस चीज़ को, नेजल स्वैब को लेबोरेटरी के सेटिंग में। कह रहा यहाँ पे टेस्ट कंसीडर किया जाता था रिलायबल, बिल्कुल भरोसेमंद। कह रहा फिर भी जो अटैम्प्ट है ना डिज़ाइन करने की रैपिड टेस्ट को, जो यूज़ करता है ब्लड के सैंपल को, सीरम को, और क्यों, फाइंड करने के लिए इस चीज़ को, और कब, इन्फेक्शन के बाद। कह रहा इन अटैम्प्ट से निकाल करके दिए एरर्स इतने एक तिहाई केसेस के अंदर, समझ गए, वन थर्ड केसेस के अंदर। एक स्टडी यूके ने दिखाया कि ये जो टेस्ट थे वो बहुत हाई थे स्पेसिफिसिटी में, इन टेस्ट से एक स्पेसिफिक कंडीशन जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, और वो जुड़ी क्या थी, कह रहे ये एक्यूरेट थे उन केसेस में जिसके अंदर उन्होंने पाया जो केसेस एंटीबॉडी पॉजिटिव थे। तो ये खास तरह के केस थे ना, वहीं पे ये जो है ना सही आपको एरर जो है बिना एरर के आपको जो है देते थे आपका रिजल्ट, ज़्यादातर केसेस में रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब समझ गए सेंटेंस को, ये एंटीबॉडी पॉजिटिव ये आप जो है आगे देख लेंगे, इस एडिटोरियल में आएगा, अपने अभी अंदर नहीं घुसते हैं। और दूसरी चीज़ें देखने वाली देख लेते हैं, कंसीडर्ड, मैंने आपको कल बताया था ये सारी की सारी वर्ब्स हैं अपने बाद एज नहीं लेती हैं, नेम, कंसीडर, कॉल, इलेक्ट, है ना, ये मेक, चूज, इनके बाद में एज नाम का एडवर्ब नहीं लगाना है। फिर मेरे पास सवाल आया शाम को, सर ही वॉज अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पे एज ठीक है ना, अब क्या जवाब दूँ मैं आपको इसका, ठीक है कि नहीं आप ही बताओ, दो तीन बार तो मैंने बता दिया, अब आप बताओ ठीक है गलत है। इनके बाद एज नहीं लगाना, आंखें बंद कर लेना, जहाँ लगाओ काट के जो है उसको सही कर देना। दूसरी चीज़ थ्रो अप, दो वर्ड, दो मीनिंग होते हैं इसके, एक तो होता है वॉमिट करना, वॉमिट करने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है रिगर्जिटेट, रिगर्जिटेट है ना वॉमिट करने के लिए। दूसरा थ्रो अप का लिटरल मीनिंग होता है, फ्रेजल वर्ब का फिगरेटिव मीनिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, फटाफट से प्रोड्यूस करने को कहते हैं हम थ्रो अप करना। तो इन्फेक्शन जो है फटाफट से एरर को प्रोड्यूस करते थे, वॉमिट नहीं करते थे एरर्स की, उनको प्रोड्यूस करते थे। आगे बढ़ते हैं, नाउन वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको, जब भी अ थर्ड, अ फिफ्थ, अ सेवंथ लगाओ तो थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ के पीछे ऐसा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे टू थर्ड होता तो टू थर्ड नहीं लिखते, हम लिखते टू थर्ड्स, है ना, फाइव थर्ड्स, फोर फिफ्थ्स, जब जब एक की जगह पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ जाए तो जो हिस्सा अगला वाला होता है उसके आगे आप एस लगाते हैं। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखें इसको। कह रहे लेकिन बट दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस, फिर भी उन्होंने 30% पॉजिटिव केसेस को कर दिया मिस, और कैसे मिस किया, शोइंग लो सेंसिटिविटी, शो करते हुए कम सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी क्या होती है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है ये जो टेस्ट जो है, बड़ी जल्दी भी किसी भी चीज़ को मिस कर देते हैं जिसको इनको मिस नहीं करना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई ऊपर वाली जो मैंने आपको बताया था, अब ये केसेस के लिए लगा है शो, सर किसके लिए लगा है, इनके लिए लगा है, मेरे भाई यहाँ देख रहे हो कोमा, इसने आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लगाया है, ज़्यादातर जगह लगा हुआ मिलेगा पर फिर भी अपना कॉमन सेंस लगाना। क्या केस कभी शो कर सकते हैं लो सेंसिटिविटी, ये जो है ना टेस्ट ही लो सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं। बढ़े आगे, कह रहे दिस इज द फिनोमिनॉन वरिंग इंडिया, कह रहे ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी खास घटना है, फिनोमिनॉन है जो वरी करता है, इंडिया को परेशान कर रहा है। अब देखो कौन सा इंडिया, विच हैज इंपोर्टेड सेवरल हंड्रेड थाउजेंड रैपिड टेस्टिंग किट, जो कि इंपोर्ट कर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतनी सारी किट्स को। कह रहे और एंड इट्स एक्सपीरियंस इज शेयर्ड बाई द US, UK, स्पेन एंड अदर कंट्रीज, और इसका जो एक्सपीरियंस है ना, अब देखो किसका, इट्स किसके लगा यहाँ पे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की बात हो रही है मेरे भाई, इट्स लगा इंडिया के लिए। कह रहा इसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, शेयर किया जाता है, इसके जैसा अनुभव लिया है इन कंट्रीज ने भी, और कौन कौन सी ने, US, UK, स्पेन एंड अदर कंट्रीज, तो सबके लिए वरिंग है ये वाला फिनोमिनन, ये वाली घटना। फिनोमिनन का अगर अभी आपको मैं प्लूरल बनाने को बोलूँ, ज़्यादातर लोग नहीं बना पाओगे, पीछे एस लगा दोगे, खास तरह के प्लूरल नाउन्स हैं ये, खास तरह के नाउन्स हैं, खास तरह के प्लूरल बनाते हैं, नाउन वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिनोमिनन का बनता है फिनोमिना। आगे बढ़े, कह रहा राजस्थान हैड लेबोरेटरी कन्फर्म्ड कोविड 19 पॉजिटिव केसेस नॉट बींग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, कह रहा राजस्थान के पास थे, अच्छा क्या थे, लेबोरेटरी में कन्फर्म हुए कोविड 19 पॉजिटिव केस, अच्छा और कैसे थे वो, उसने राजस्थान ने एक्सपीरियंस किया इनको डिटेक्ट नहीं होते हुए, और किसके द्वारा, रैपिड टेस्टिंग किट्स के द्वारा। एक बार सेंटेंस फिर समझा रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के पास ऐसे लेबोरेटरी कंफर्म टेस्ट का कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस का अनुभव था जो कि डिटेक्ट नहीं किए गए रैपिड टेस्टिंग किट्स के द्वारा।
अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, सर ये हेड तो क्या लगा दिया आपने, अनुभव की बात कहाँ से आ गई, एक्सपीरियंस की बात कहाँ से आ गई। ये इसलिए आ गई मेरे भाई, हेड जो है ना, हैज़ हैव हेड, इसके बहुत सारे काम होते हैं इस वर्ब के। ये वर्ब अकेला सिर्फ और सिर्फ वही काम नहीं करती वर्ब की थर्ड फॉर्म बनने का, समझ रहे हो, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो आप, ये मेन वर्ब भी बनती है। यहाँ पे हेड का काम है एक्सपीरियंस लेना। इस सेंटेंस को मैं पहले समझा देता हूँ आपको कैसे बना, नॉट बीन डिटेक्टेड, फिर आपको मैं बताऊँगा हैव के यूसेस। हमने एक अलग वीडियो की हुई है इसके ऊपर। वी हैव एन एग्जाम टुमारो, कल हमारा एक एग्जाम है, वी हैव एन एग्जाम टुमारो। अच्छा दूसरा, वी हैव एन एग्जाम दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड टुमारो, हमारे पास कल एक एग्जाम है, हमारा एक एग्जाम है जो कि कल कंडक्ट किया जा रहा है ना, दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड टुमारो। अगर यहाँ से दैट इज़ निकाल दूँ, ये एडजेक्टिव क्लोज का सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दूँ, तो क्या रह जाएगा पीछे, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्या बन जाएगा, वी हैव एन एग्जाम बीइंग कंडक्टेड टुमारो। समझ गए मेरी बात को, एडजेक्टिव फ्रेज को रिड्यूस कर दिया, क्लोज को रिड्यूस कर दिया एक एडजेक्टिव फ्रेज में, दैट इसको निकाल दिया या विच इसको निकाल दिया, इस तरह से, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, राजस्थान हैड नॉट बीइंग डिटेक्टेड, जैसे वी हैड एन एग्जाम बीइंग कंडक्टेड। थोड़ा सा इसको रिपीट करके देखें, समझ जाएंगे इसलिए जिन्होंने एडजेक्टिव और थोड़ा सा पैसिव एक्टिव मेरे साथ देखा है। दूसरी चीज़, हैव के बहुत सारे यूज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए नहीं बोलते आई हैव 5 रुपीज़, इसके अलावा भी यूज लेता है, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एक वीडियो बनाई है मैंने हैज हैव हैव हैड 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 में, उसमें ये यूसेज भी इंक्लूडेड है, डाल देता हूँ यहाँ, जिसने नहीं देखी जरूर देखें। बड़े आगे कह रहे, सेवरल स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ किट्स मेनली फ्रॉम चाइना एंड आर इन अ क्वांट्री, बहुत सारी स्टेट्स ने अपने आप से ही ऑर्डर कर दिए हैं हजारों ऐसे किट्स को, और कहाँ से ऑर्डर किए हैं, मुख्यतः मेनली चाइना से, और यही स्टेट्स क्या हैं, अब ये स्टेट्स हैं इन अ क्वांट्री। यहाँ पे जो आर है ना, ये इसी स्टेट्स की दूसरी वर्ब है जिसको मैंने मार्क नहीं किया था, ये स्टेट्स क्वांट्री के अंदर है। अब ये क्वांट्री क्या होती है, अ सिचुएशन अ कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, एक डिलेमा होती है ना, धर्म संकट, एक प्रेडिकामेंट होता है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन, उसको कहते हैं क्वांट्री। तो किट्स मंगा ली, अब WHO बोल रहा है किट्स खराब हैं, चाइना ने भी बोल दिया हाँ जी हाँ जी खराब, हमने भेज दी, तो कह रहा मंगा के स्टेट सोच रही हैं इन किट्स का करें क्या। आगे बढ़े, कह रहा ICMR has advised states to whom is distributed kits that they could be used for surveillance testing rather than to make medically important decisions. कह रहा ICMR जो है ना, ये एडवाइस कर चुका है स्टेट्स को, हमारे राज्यों को, और कौन से राज्य है, कह रहे जिनको इसने डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा किसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इट कौन है यहाँ पे, ICMR। कह रहे जिनको ICMR ने बांटा किट्स। अच्छा कौन से किट्स हैं, कह रहे जिनको दे कुड बी यूज्ड, अब यहाँ पे दे कौन है, कह रहे जो किट्स दे लगा इन किट्स के लिए, कह रहे जो कि पैसिव वॉइस में कुड बी यूज़ की जा सकती हैं, किसके द्वारा, सर्वेलेंस टेस्टिंग के लिए, सर्वेलेंस की टेस्टिंग के काम के लिए, और कह रहे क्यों, रादर देन बजाय टू मेक मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बजाय बनाने के लेने के ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को जो मेडिकली इंपॉर्टेंट हैं। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, इसमें ग्रामर भी अच्छी वाली लगी हुई, आगे बताऊँगा आपको मैं। ICMR ने एडवाइस किया स्टेट्स को, जो वो स्टेट्स जिसको इन्होंने किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एडवाइस क्या किया है कि ये किट्स पैसिव वॉइस में यूज़ की जा सकती हैं इस काम के लिए, सर्विस टेस्टिंग के लिए, बजाय ऐसे डिसीजंस को लेने के यूज़ करें आप जो डिसीजंस मेडिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस किट के हिसाब से किसी की जान को आप जो है अधर में ना लटकाएं, सिर्फ और सिर्फ सर्विलेंस के लिए, आपको किसी पे लगे थोड़ा सा शक हो, उसका जो आप इस किट को यूज़ करके पता करके बता दें उसको कोविड है या नहीं, समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ इस सेंटेंस के अंदर दो जो है अच्छे अच्छे रूल्स। पहला रूल क्या है यहाँ पे, टू होम लगाए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था हु वर्सेस होम कैसे लगता है क्या लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वाला है, जो लोग डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कैसे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके कर चुके हैं, अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप नए हो तो धीरे धीरे करके पुराने ट्यूटोरियल्स को देखें शुरू से करके, जैसे आज 24 है ना, आज का देखा फिर 23 का देखा, कल 25 का देखा, फिर 22 का देखा, आपको पिछले एक दो महीने में मोटे मोटे सारे रूल्स रिपीट हो जाएंगे। फिर भी मैं दो सेंटेंसेस को आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है इस रिविजन भी कर पाओ और बाकी का खुद आपको रिप्लाई देना है। चलो, हु लगता है तब जब सेंटेंस की पार्सिंग करने के बाद आपको पता लगे कोई भी आवारा वर्ब बची है जो इस हु का सब्जेक्ट का वर्ब बन सकती है, क्योंकि हु सिर्फ सब्जेक्टिव केस में लगता है और होम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। मतलब क्या कहने का, जब जब सेंटेंस के अंदर रिलेटिव क्लॉज के अंदर, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर
एक वर्ब खाली बची हुई है तो आपको लगाना है हु उस वर्ब का सब्जेक्ट बनाने के लिए, और अगर उस वर्ब के साथ ऑलरेडी दूसरा सब्जेक्ट है तो आपको हु नहीं लगाना है, क्योंकि हु लगाया तो इसको वर्ब नहीं मिलेगी, और बिना वर्ब के हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं होम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। समझ गए, वर्ब की सारी पार्सिंग करके वर्ब को गिन लेना है। चलो अब गिनते हैं फटाफट से। द गर्ल विद हु या होम ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी इज हिज गर्लफ्रेंड, वो लड़की जिसके साथ वो लाइब्रेरी में स्टडी करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। समझ गए, यहाँ पे आएगा हु या होम में से एक। अच्छा क्या आएगा, पहले इस सिर्फ बीच वाले की पार्सिंग कर लो। ही प्रोनाउन स्टडी वर्ब, एक प्रोनाउन आ गया एक वर्ब आ गई, एक सब्जेक्ट आ गया एक वर्ब आ गई, मतलब यहाँ पे इन दोनों में से वो चाहिए जो सब्जेक्ट ना बन सकता हो। सब्जेक्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, हु तो सब्जेक्ट बन सकता है, हु को निकाल दो, अब काट दो यहाँ पे हु को और बना दो होम। द गर्ल विद होम ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी इज हिज गर्लफ्रेंड। समझ गए, सीधा सीधा इसी सेंटेंस को करने का एक और तरीका था, मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन के बाद में जब हु या होम में से कोई चीज़ आ जाए, आपको विद के बाद ही तो लगाना है ना हु या होम में, तो सीधा सीधा आप जो है इस फॉर्मूला को भी फॉलो ना करें, सीधे सीधे प्रेपोजिशन के बाद में होम लगा दें। पर ये हमेशा नहीं लगेगा, कभी कभी होम बिना प्रेपोजिशन के भी आता है, तो ये जो है फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है। चलो अगला देखते हैं। द गर्ल हु या होम ही टेल्स हिज सीक्रेट्स इज हिज सिस्टर, वो लड़की जिसको अपने सारे सीक्रेट बताता है वो उसकी सिस्टर है। अब आ जाओ इस वाले बीच वाले के अंदर, ही सब्जेक्ट टेल्स उसकी वर्ब, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गई, अब हमें ऐसा चाहिए जो दोनों में से सब्जेक्ट ना बन सकता हो, हु तो सब्जेक्ट बनता है, इसको निकालना पड़ेगा, हम लगाएंगे होम। द गर्ल होम ही टेल्स हिज सीक्रेट इज हिज सिस्टर। समझ गए सेंटेंस को, क्यों लगाएं यहाँ पे होम, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे भाई आया हुआ था, अगर मैं हु लगा देता तो इसकी वर्ब कहाँ से पकड़ के लाता, वर्ब तो ये टेल्स है ऑलरेडी सब्जेक्ट के साथ एंगेज्ड है। समझ गए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन नहीं आ रही फिर भी हु आ रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन वाला जो है ना हमेशा आपके काम नहीं आएगा। आगे बढ़ो, द गर्ल, अब देखो एक और करवाता हूँ, लास्ट के दो आप करेंगे। द गर्ल, अभी बीच वाला देखो, हु या होम सिट्स बिसाइड हिम इन द क्लास इज हिज नेबर, लड़की जो उसके बाजू में बैठती है क्लास में वो उसकी पड़ोसन है। समझ गए, अब देखो इसके अंदर बीच वाले में इस एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर वर्ब्स पकड़ो, सिट्स आ गई पहली वर्ब, चलो बिसाइड प्रपोजिशन, हिम दूसरा प्रोनाउन, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, ये क्लास कॉमन नाउन, मतलब क्या कहने का, ये प्रोनाउन इससे प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, ये क्लास इससे जुड़ी हुई है, इस सिट के लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं बचा इसका सब्जेक्ट बनने के लिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों में से वो चाहिए जो सब्जेक्ट बन सकता हो, सब्जेक्ट बन सकता है मेरे भाई हु। द गर्ल हु सिट्स बिसाइड हिम इन द क्लास इज हिज नेबर। समझ गए मेरी बात को, फॉर्मूला हिट है, सुपर हिट फॉर्मूला है ये, हिट नहीं सुपर हिट फॉर्मूला, ऐसे ही लगाना है जैसे आप लगाना चाहो, ये लगेगा लास्ट के अंदर, इसी पे आके आप अटकोगे। चलो लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करो, है ना, इन्हीं को इसी फॉर्मूला को लगा के आप मुझे बताओगे हु लगेगा या हुम लगेगा, किस में क्या लगेगा। अब आ जाओ इसके अंदर मेन चीज़ जिसके अंदर मैंने जहाँ से शुरू हुआ था, स्टेट्स के बाद में इसने हुम लगा रखा है, मैंने यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल दिए आपको गर्ल के, इंसानों के साथ में अपने हु लगाते हैं, जानवरों और चीज़ों के साथ में विच या दैट लगाते हैं। स्टेट्स ना जानवर है ना इंसान है, बल्कि एक निर्जीव वस्तु है, एक चीज़ है, तो यहाँ पे टू विच आना चाहिए था, हुम लगा करके इन्होंने कर दिया गलती। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टू विच, एक एरर की है, चलो मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख ले मेरे साथ, जो कि आप लोग बहुत बार गलत करते हैं। अ थर्मोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग योर टेम्परेचर एंड इंडिकेट अ फीवर, इस सेंटेंस में एक एरर है, आप पहले पॉज करके देखो फिर मैं आपको बताता हूँ, आप में से 80% इस एरर को नहीं बता सकते। चलो सही बता रहा हूँ मैं, 80% की हिम्मत नहीं है इस एरर को बताने की, अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं है तो। कह रहा है एक थर्मामीटर यूज़ किया जा सकता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर को और इंडिकेट करने के लिए फीवर को, सर क्या गलती है इसमें, गलती ये मेरे भाई, फोर प्रपोजिशन के बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आपने लगा दी, बिल्कुल सही काम किया, या इंडिकेट कैसे लगा दिया आपने, अगर यही प्रपोजिशन देखो एंड आ गया बीच में, फोर मेजरिंग और फोर इंडिकेटिंग होता तो मैं मान लेता, ये इंडिकेट क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुझे इंडिकेट लगाना है तो मुझे यहाँ टू लगाना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ टू नहीं लगाना, मान लो टू नहीं लगाना, तो मुझे यहाँ पे इंडिकेटिंग लिखना पड़ेगा, यही एरर होती है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। समझ गए, जब आपने जेरेंट शुरू किया है, जेरेंट से फोर मेजरिंग एंड फोर इंडिकेटिंग, दो चीज़ों के काम थर्मामीटर आता है, तो पहली चीज़ मेजरिंग है तो दूसरी चीज़ इंडिकेटिंग ही होगी, दूसरी चीज़ इंडिकेट नहीं हो सकती, अगर वो हो सकती है जब इससे पहले आप टू लगा करके इसको एक इन्फिनिटिव बना दो, तब मैं मान सकता हूँ हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस को आप खुद क्लोज करो अपने हिसाब से, बताओ कहाँ गलती है, अगर गलती आ रही है तो उसको सही करो। अब देखो यहाँ पे इसने वही किया हुआ है, दे गुड बी यूज फॉर सर्विलेंस टेस्टिंग एंड देन टू मेक मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो टू मेक आया यहाँ पे, अगर इस टू को मैं निकाल दूँ तो इस मेक का क्या बनेगा, मेकिंग,
बढ़े आगे। चलो, नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स इज चैलेंज। नैरो डाउन करना इन टेस्ट को, सिकोड़ना। नैरो डाउन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फोकस में लेते आना, है ना, जीरो इन बोलते हैं इसके लिए, एक बहुत अच्छी फजल वर्ब है, एकदम फोकस के ऊपर लाना। कह रहा फोकस के अंदर दायरे को कम करने का जो काम है इन टेस्ट का, और कैसे रिलायबल मेथड्स के लिए, कह रहा वो बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत ही मुश्किल है। कह रहा और जो WHO है ना, अलॉन्ग विद इट्स कोलैबोरेटिंग सेंटर्स इज वर्किंग टू आइडेंटिफाई देम। ये WHO जो है अपने कोलैबोरेटिंग सेंटर्स के साथ वर्क कर रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे रिलायबल मेथड्स को ढूंढने के लिए, देम लगा मेथड्स के लिए, समझ गए सेंटेंस को। नैरोइंग डाउन मुश्किल है, इसलिए WHO इस तरह की कर रही है कोशिश। अब एक और रूल है यहाँ पे, फटाफट से आ जाओ, पहले आप फ्रीज करो स्क्रीन को और मुझे बताओ, फिर मैं आपको रूल बताऊँ ताकि आपको समझ में आए। WHO अपने कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं उनको साथ में इसने पकड़ा, अलोंग विद लिया, और फिर भी इज वर्किंग कर रही है। WHO और कोलैबोरेटिंग सेंटर तो मिल गए ना भाई साथ में, जब साथ में मिल गए तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो इज वर्किंग कैसे आएगा, यहाँ तो आर वर्किंग आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चलो, जिन लड़कों को समझ में आ गया वो हंस रहे होंगे कि सर ने कई बार बता दिया, और जिनको नहीं समझ में आया आज समझ लो, आपको भी सीखना है। ऐसी 5-6 प्रपोजिशन है, इंक्लूडिंग, अलोंग विद, टुगेदर विद, विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये सब के सब क्या करती हैं, ये जैसे ही बीच में आ जाएं दो सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट्स के बीच में, दो नाउन्स के बीच में, इसके बाद में जो नाउन आता है ना उसको आपको काउंटिंग में नहीं लेना है वर्ब को लिखते हुए, समझ मेरी बात को। WHO किसके साथ में, कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स के साथ में, बीच में क्या लगा हुआ है, अलॉन्ग विद, कहने का मतलब क्या है, अब जो वर्ब आएगी ना वो वर्ब सिर्फ और सिर्फ WHO के हिसाब से आएगी, ये अलॉन्ग विद जो है कोलैबोरेटिंग सेंटर्स को वर्ब के जो है ना चॉइस के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, समझ मेरी बात को। कोलैबोरेटिंग सेंटर्स को आपको सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, बीच में अगर अलॉन्ग विद या इनमें से कोई भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज वर्किंग आया क्योंकि WHO सिंगुलर है। यहाँ पे और कोई चीज होती WHO एंड WTO होता तो अपने आप ही प्लूरल हो जाता, तो मुझे आर वर्किंग तो फिर लगाना ही था, समझ गए। आज आपके पास क्विज ही क्विज है, खूब सारे क्विज दे रहा हूँ मैं आपको, अगर समझे हो तो इस क्वेश्चंस को दो को सॉल्व करो, डाल दो फटाफट से, आज आपकी सारी प्रैक्टिस, पुराने जो है ना रिविजन्स करवा रहा हूँ मैं सारे कॉन्सेप्ट्स का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रिजल्ट्स विल बी क्रूशियल एंड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द US व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स आर लुकिंग एट सर्वेलेंस। कह रहे रिजल्ट्स जो है ना विल बी होंगे बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही गंभीर, और सभी कंट्रियाँ जिसमें शामिल है US की व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स लुक फॉर कर रही हैं, आर लुकिंग एट, वो देख रही हैं किस पे, सेरो सर्वेलेंस पे। ये बातें बताऊंगा क्या होती है, आप ऐसा समझ लो एक चीज़ है सेरो सर्वेलेंस। कह रहा है वो प्रोसेस, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस दैट विल डिटरमिन द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ऑन COVID-19, जो कि डिटरमिन करेगी, पक्का करेगी स्टेटस को पूरी की पूरी आबादी का COVID-19 के ऊपर। सेरो सर्वेलेंस अगर आप समझोगे तभी ये सेंटेंस समझ में आएगा। सेरोलॉजी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ ब्लड सेरम्स। सेरम क्या होते हैं, आपके ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज हैं, कितनी प्लाज्मा है, कितनी प्लेटलेट्स हैं, आप प्लेटलेट चेक करवाते हो ना डेंगू मलेरिया के टाइम, तो वो सेरोकल्चर जो है ना, सेरोलॉजी का साइंटिस्ट जो होता है, सेरोलॉजिस्ट वही करता है। तो सेरो सर्वेलेंस का मतलब क्या है, सबके ब्लड की सर्वेलेंस करनी। इंडिया में 130 करोड़ लोगों के ब्लड को जो है सर्वेलेंस करेंगे और देखेंगे पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग COVID-19 के लिए इम्यून है और कितने लोग COVID-19 के सामने ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं। अब समझ गए सेंटेंस को, कह रहा रिजल्ट जो है ना इस चीज़ के बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, सब के सभी इसी चीज़ की तरफ मुंह ताक करके देख रहे हैं कि सेरो सर्वेलेंस हम अपने अपने देश में करवाएंगे। इस सेंटेंस में देखने वाली वही चीज़ आई है, इंक्लूडिंग, ये अलॉन्ग विद वाला ही इन्हीं में से एक प्रपोजिशन है। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग से पहले ऑल कंट्रीज ना होकर के सिर्फ US से होता तो यहाँ पे मुझे इज लुकिंग लिखना था, आर लुकिंग नहीं लिखना था। बढ़ते हैं आगे, कर एन एक्सिट फ्रॉम लॉकडाउन एंड अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग। कर एक एक्सिट जो है ना इस लॉकडाउन से और दूसरे पब्लिक के हेल्थ मेजर से वो डिपेंड करती है ऐसी टेस्टिंग पे, समझ लो। एग्जिट और दूसरे पब्लिक के हेल्थ मेजर्स दोनों सब्जेक्ट हैं आपका, इसलिए डिपेंड वर्ब प्लूरल फॉर्म में लगी हुई है, जो आपकी उस फॉर्म में नहीं लगी हुई सिंगुलर फॉर्म के अंदर। यहाँ पे किसी को देख करके लग सकता है सर एग्जिट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिर भी वर्ब जो है गलत लगा रखी है, वर्ब बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट एग्जिट और अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स दोनों। बढ़े आगे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ बाद में जो लोग पढ़ेंगे वीडियो के बाद, जस्ट अ मिनट। चलो, कह रहा है इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग टेस्ट दैट वर्क वेल। इंडिया को फोकस बने रहना चाहिए उन चीज़ों पे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट, फोकस बना करना चाहिए आइडेंटिफाई करने वाले टेस्टों को जो कि वर्क वेल करते हैं, बिल्कुल सही से काम करते हैं। कह रहा है दिस रिक्वायर्स क्लोज
इंटेग्रेशन विद एफर्ट्स लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स इन यूएस यूरोप एंड चाइना। कह रहे ये जो चीज़ है ना फोकस की, रिमेन फोकस वाली चीज़, दिस थिंग जो है ना वो रिक्वायर करती है, इसको जरूरत है क्लोज इंटेग्रेशन की, बहुत अच्छे सामंजस्य की, कोऑपरेशन की, किन के साथ, कह रहे जो एफर्ट्स लॉन्च बाय है ना, जो एफर्ट्स लॉन्च किए गए हैं इन रेगुलेटर्स के द्वारा, और कहाँ के हैं ये, अमेरिका के, यूरोप के और चाइना के। कह रहे हु हैव यूज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स, जिन्होंने यूज़ किया है इमरजेंसी की प्रोविजन को इजाज़त देने के लिए फटाफट से यूज़ को इन किट्स के, समझ गए, कह रहा है इंडिया को इनके हिसाब से ही अपने फोकस को बना करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द किट्स देमसेल्व्स आर अंडर इवैल्यूएशन, ये जो किट्स है ना ये खुद ही अंडर इवैल्यूएशन है, अभी इनकी खुद की जांच चल रही है। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं, पहली चीज़ इसको आप रिपीट कर लें अगर आपको मीनिंग में दिक्कत आई है, सारे पीसीज में जोड़ चुका हूँ है ना, हु के बाद में इसकी वर्ब, दिस के बाद में इसकी वर्ब। दूसरी चीज़ लॉन्च्ड बाय अचानक से आई V3 क्या काम कर रही है, एफर्ट्स के बारे में कुछ बता रही है, कौन से एफर्ट्स, जो कि लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स के द्वारा, समझ गए ना। ये जो किट्स हैं यहाँ पे जो देमसेल्व्स देख रहे हो ना आप, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होकर के एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये जो है ना ऐसे बता रहा है मैंने खुद तुम्हें देखा, उसने खुद ये लेटर लिखा, ये किट्स खुद जो अंडर वैल्यूएशन है, समझ गए ना। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आपने जानते हो मेरे साथ, आर से पहले जब आ जाए तो एम्फेटिक, अगर वर्ब के बाद में आ जाए इमीडिएटली तो रिफ्लेक्सिव। करा देयर आर रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस इन चाइना हैव रन अफाउल ऑफ रेगुलेटर्स, करा कुछ रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे, और कैसी रिपोर्ट्स हैं जो ऐसे इंडिकेट करती है कि कुछ वेंडर्स हैं, कुछ दुकानदार जो हैं, और किसके, इन डिवाइसेस के, और कहाँ पे, चाइना में, वो रन अफाउल हो चुके हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं, खिलाफ जा चुके हैं, और किसके, रेगुलेटर्स के, और कहाँ पे, इस देश में, इस कंट्री के अंदर, और कब से और क्यों, कह रहे सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपर्टीज इन फील्ड, क्योंकि उनके पास नहीं है कोई भी पहले से एक्सपर्टीज इस एरिया, इस फील्ड के अंदर। तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है चाइना से, कुछ फर्जी लोगों ने फर्जी किटें बना करके रेगुलेटर्स की नाक के नीचे से ऐसी किट्स अमेरिका, यूएस और इंडिया के अंदर भेज दी हैं। समझो ध्यान से तो समझ जाओगे सेंटेंस को, रन अफाउल ऑफ का मतलब ये होता है किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के साथ जो है डिसएग्रीमेंट में होना, रन अफाउल ऑफ होते हैं आप। बढ़ते हैं आगे, कह रहा मेकिंग परचेज डिसीजंस देयरफॉर कॉल्स फॉर रिग्रेस रिव्यू, इसलिए जो परचेज डिसीजन मेक करने का काम है ना, अच्छे डिसीजन परचेज के लेने का काम है, इसलिए उसको जरूरत है, वो कॉल फॉर करता है ऐसे रिव्यू की जो रिग्रेस हो, पूरी तरह डिटेल्ड हो है ना, एकदम सटीक सा रिव्यू करें, उसके बाद जो है किसी कंट्री से ऐसे किट्स को परचेज करें। कह रहा इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट द मैसेज शुड गो आउट टू स्टेट्स दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर RT-PCR टू डायग्नोस इन्फेक्शन। कह रहा इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मैसेज शुड गो आउट, सबके पास जाना चाहिए, ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, और किन तक, स्टेट्स तक पहुंचना चाहिए, राज्यों तक पहुंचना चाहिए, और क्या कि जो रैपिड टेस्ट है ना वो सब्स्टिट्यूट फॉर नहीं हो सकता, वो जगह नहीं ले सकता RT-PCR का डायग्नोस करने के लिए इन्फेक्शन को। अगर आपको कोई आदमी खांसी जुकाम वाला दिख रहा है तो रैपिड टेस्ट नहीं, फिर उसका RT-PCR ही करो, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है, आपका टेस्ट तो फेल भी हो जाएगा रैपिड वाला, समझ गए। सेंटेंस पे देखने वाला एक वर्ड आया सब्स्टिट्यूट फॉर, इसके साथ कभी कभी विद लगता है, आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, आप ही बताना मुझे सर्च करके फॉर कब लगाना और विद कब लगाना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इट इज़ बाय नो मीन्स क्लियर दैट एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन। कह रहा ये है, इट इज़, ये है किसी भी तरह से नहीं, बाई नो मीन्स साफ, कह रहा ये किसी भी तरह से क्लियर नहीं है अभी। और क्या चीज़, दैट कि एंटीबॉडीज जो हैं जो कि डेवलप होती हैं प्रतिक्रिया में COVID-19 के, COVID-19 के होने के बाद रिस्पॉन्स में, कह रहा वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन को इस इन्फेक्शन के, री इन्फेक्शन के अगेंस्ट। कह रहा अभी भी ये चीज़ बिल्कुल है नहीं साफ। कह रहा येट फिर भी अ गुड टेस्ट टू सर्टिफाई अ लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी सीम्स टू बी अ प्रॉमिसिंग टूल। कह रहा फिर भी एक अच्छा टेस्ट, और किस काम के लिए, सर्टिफाई करने के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को पॉपुलेशन की आबादी के, और कैसे सर्टिफाई करना है, ऐसे सर्टिफाई करना है हैविंग डेवलप्ड, कि वो डेवलप कर चुकी है, कौन, पॉपुलेशन, और किसको डेवलप कर चुकी है, इम्यूनिटी को। कह रहा ऐसा टेस्ट है ना सीम्स टू बी, वो दिखाई देता है अ प्रॉमिसिंग टूल, एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग सा जो है टूल, बड़ा अच्छा हथियार हमें लगता है, और किस काम के लिए, टू रीओपन द इकॉनमी विद सम कॉन्फिडेंस, रीओपन करने के लिए
इकोनॉमी को कुछ कॉन्फिडेंस के साथ में। फिर भी कह रहे हैं ऐसा टूल जो है उसको बनाने की कोशिश करो आप, क्योंकि जिस दिन ये आएगा उस दिन के बाद हमें पता लग जाएगा किस आदमी को कोरोना फिर से हो सकता है, किस को कोरोना नहीं हो सकता। हैविंग डेवलप्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। एज जो है ना, एज ये सर्टिफाई के बाद में सर्टिफाई एज अपने लगाते हैं, वो वाला एज है। हैविंग डेवलप्ड पॉपुलेशन के लिए लगा है। कौन सी पॉपुलेशन? जो डेवलप कर चुकी है किसको? इम्यूनिटी को। वो हैविंग डेवलप्ड वही वाला है ये। Having eaten my dinner, I went for a walk. खाना खा करके मैं वॉक के लिए चला, समझ गए ना। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मुझे बताएं। क्विज के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कमेंट सेक्शन में डालें along with your summary. समरी को नज़रअंदाज नहीं करें आप, दूसरे किसी की समरी निकाल लो, किसी पर्सन की 10 समरियाँ पिछली 10 वीडियोस की, आप उसकी हर समरी के अंदर कुछ बेहतरी देखोगे। ये काम आप खुद भी कर सकते हो अपने साथ, अपनी आपकी हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। इजाज़त दें मुझे अगली ऑडियो तक के लिए, वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।